नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काजू, जिसे आप में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि इसका प्रयोग केवल स्वाद के चलते ही होता है, परंतु क्या आपको पता है कि काजू आपकी ऐसी ऐसी समस्याओं को दूर कर सकता है जिसका निराकरण लाखों रुपयों की दवाइयों के पश्चात भी संभव नहीं है। चाहे वो शारीरिक बल में वृद्धि की बात हो या फिर मानसिक शक्ति का ही विकास करना क्यों ना हो। गैस बनना, कब्ज की शिकायत, बवासीर और पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी इसका प्रयोग बड़ी ही प्रमुखता के साथ किया जाता है। आयुर्वेद के मत अनुसार काजू उष्ण, मधुर व कसाय रस लिए होता है। वात और कफ का शमन करने वाला, अत्यंत अधिक कामोद्दीपक और पाचन तंत्र को सबल बनाने के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके अलावा इसका अधिक प्रयोग करने पर रक्तातिसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं यूनानी मत के अनुसार इसे गर्म और तर माना गया है। शरीर का ग्रहण करने वाला, हृदय को बल प्रदान करने वाला, बहुत ही उत्तम कामोद्दीपक और वीर्य वृद्धि कारक इसे माना जाता है। वहीं मानसिक शक्ति में विकास करने हेतु इसका प्रयोग यूनानी मत के अनुसार किया जाता है। वहीं आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार भी काजू बहुत ही उत्तम प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन का स्रोत होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। शरीर के ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के साथ साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करने में यह सहायता प्रदान करता है। त्वचा के सौंदर्यकरण से लेकर मानसिक शक्ति में विकास और हड्डियों को मजबूती देने का कार्य भी बड़ी आसानी से यह करता है। इसके अलावा अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के चलते त्वचा पर बढ़ते उम्र के प्रभाव के साथ साथ कैंसर जैसी समस्याओं से बचाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसी कारण आज मैं आप सभी के समक्ष काजू से संबंधित कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आया हूं, काजू से संबंधित कुछ ऐसे प्रयोग लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आपको निश्चित लाभ काजू से बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता के प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। शारीरिक बल में वृद्धि हेतु यदि आप इस उद्देश्य से काजू का प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं तो 4 से 5 काजू की गिरी, 3 से 4 मुनक्का पानी के अंदर रात्रि को भिगो दीजिए। अब सुबह इन्हें अच्छी प्रकार से धोकर नाश्ते के समय खूब चबा चबा कर दूध के साथ खाइए। हालांकि मुनक्का के बीज आप अवश्य निकाल दें। इससे आपको 2 प्रकार के लाभ होंगे। पहला, आपके शारीरिक बल, रस, मांस और वीर्य में वृद्धि आपको कुछ ही दिनों में होती हुई दिखाई देगी। वहीं आपका पाचन तंत्र भी सुदृढ़ बनेगा। गैस बनना, कब्ज आदि शिकायतों से आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और हाँ, धीरे धीरे आप काजू की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। वहीं जिन लोगों को गैस बनना, एसिडिटी, तेजाब आदि की शिकायत रहती है, सारे दिन पेट में अफारा आया रहता है, वो लोग भी इसी तरीके से काजू और मुनक्का को भिगोकर सुबह इसका बारीक पेस्ट बना ले। अब थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण मिलाकर आप इसका सेवन करें। सारे दिन गैस, एसिडिटी आदि का बनना, पेट में अफारा आना जैसी समस्याओं में आपको अवश्य लाभ होता हुआ दिखाई देगा, परंतु कुछ बातों का ध्यान आपको इसका प्रयोग करते समय रखना होगा। पहली बात, इसके साथ आपको दूध का प्रयोग नहीं करना। वहीं दूसरी बात, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि करने की आवश्यकता पड़े तो बिना चिकित्सक के निर्देश के कदापि ना करें। वही काजू का एक बड़ा ही रोचक प्रयोग है। इस विषय में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु बहुत पहले की बात है, हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों ने उसे नहीं देखा होगा। विशेष तौर पर जो लोग अपने वजन में वृद्धि करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही खास प्रयोग है। इसके अंदर आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है। आवश्यकता होगी केवल 4 से 5 काजू की। आप इन्हें सिलबट्टे पर पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक इनका पेस्ट बना लीजिए। अब रोज रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर इसका लेप कीजिए और ऊपर से आप जुराब आदि पहन सकते हैं। पहली रात में ही आपको अधोजत्रुगत अंगों में विशेष ऊर्जा और ताकत की अनुभूति होगी। 10-15 दिनों में आपके वजन में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। लंबे समय तक भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही रोचक प्रयोग है। मेरे गुरुजी ने मुझे यह बताया था तो आज आप सभी के साथ इसे साझा कर रहा हूं। इसके अलावा इस लेप के और भी बहुत से फायदे हैं। हाथ पैरों में बिवाई फटना, ऐसी समस्याओं में भी इस लेप का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं फोड़े फुंसी या फिर त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या,
उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं कुछ आयुर्वेदिक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्याओं में, विशेष तौर पर सफेद दाग आदि समस्याओं में काजू का प्रयोग बहुत ही लाभकारी पाया गया है। दरअसल आयुर्वेद में काजू के विषय में बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताया गया, इसी कारण हम इसके औषधीय गुणों से बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, और इसी ही कारण हम केवल और केवल इसे स्वाद को बढ़ाने वाला मानते हैं। परंतु मेरे मतानुसार काजू बहुत ही उत्तम सूखे मेवे की श्रेणी में आता है, और मैं अपने ऐसे रोगियों को काजू का प्रयोग करने की सलाह अवश्य देता हूं जिन्हें पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी विकार है, या फिर मुझे लगता है कि जिन्हें औषधियों का प्रयोग करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें मैं काजू का प्रयोग अवश्य करवाता हूं। हालांकि काजू उष्ण प्रकृति का होता है और इसी कारण बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग रक्तातिसार का कारण बन सकता है, अर्थात शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त का निकलना। तो ऐसे में आपके लिए बेहतर रहेगा जब भी आप काजू का प्रयोग करें तो कम से कम 8 से 12 घंटे उसे पानी में भिगोकर अवश्य रखें। ऐसा करने पर उसकी उष्णता का प्रभाव अवश्य ही कम होगा। इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को भी काजू का प्रयोग कम करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के पास साझा कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए, और आप सभी से अभी आज्ञा चाहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।